नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। आज दूसरे चरण की वोटिंग है और पहले चरण में हमने देखा कि कितनी कम वोटिंग प्रतिशत जो है वो हमारे सामने आई, और जिसमें ये दिखाया गया कि किस तरीके से लोगों के अंदर ये रुचि नहीं है कि वो जा कर के वोट करें। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो वोटिंग प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। फिलहाल मेरी उपस्थिति पूर्णिया में है और मैं आपको इधर पीछे दिखाना चाहती हूँ कि देखिए, पूर्णिया में तो मेरे को अच्छी खासी भीड़ जो है वो नज़र आ रही है। ये पूर्णिया में एक पोलिंग सेंटर है और यहाँ पर जो है वो वोटिंग हो रही है, दबा के हो रही है वोटिंग। अब देखते हैं, क्या नाम है आपका? अच्छा, नाम क्या है आपका? मोहम्मद फैजुद्दीन। मोहम्मद फैजुद्दीन जी। नहीं, वोट अभी नहीं किए हैं, बस लाइन में लगे हुए हैं, अभी बच्चे को आइसक्रीम खिलाने के लिए आए। अच्छा, तो मोहम्मद फैजुद्दीन वोटर आईडी कार्ड वगैरह ले रखे हैं? जी है। आइए इधर आइए, क्योंकि आपके वो नहीं है। हाँ ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। आप भैया घूरिए मत ऐसे साथ साथ में, ठीक है। ये क्या है? ये आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, ये आधार कार्ड हो गया, और ये आपकी पर्ची हो गई। क्या मुद्दा है इस बार मोहम्मद जी? इस बार मुद्दा हम लोग मुद्दा को जो है हम लोग को कुछ ई नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग अपना ई बनाएंगे। अच्छा, आप लोगों को कुछ नहीं मिलता है तो कैंची छाप देंगे क्या कुछ? ये तो बात मेरे मन में है। हाँ जी, ये तो हम खुल के वोटिंग करते टाइम क्या मुद्दा रखेंगे मन में? वो मुद्दा तो हम ई करके रखे हैं कि हम जिसको विकास में लाएंगे उसको हम डाल देंगे। अच्छा, आपके घर से कुल कितने वोट हैं? मेरा घर से लगभग 70 वोट है अपना फैमिली में से। आपके वोट में 70 वोट है? आपकी फैमिली? वही मैं समझ गई, पूरे खानदान में आपके 70 वोट है, और वो सबके सब वोट करेंगे ना? सबके सब करेंगे, आधे लोग सब लाइन में लगे हुए हैं, पूरे 70 लोग। तो ये देखिए, ये होती है ताकत समाज की, कि 70 वोटर जो हैं वो इनकी खुद की फैमिली में से हैं, और वो सबके सब वहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और वो वोटिंग करेंगे। और इनके पास मुद्दा क्या होगा ये मुझे खुलकर बता नहीं रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको ये बात बताऊं तो पूर्णिया में इस समय त्रिकोणीय मुकाबला है। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, 70 वोट है तो कैसे कैसे 70 वोट है यार, इतना सारा हमारा कितनी बड़ी है? हमारा फैमिली में से मेरा चाचा है, 6 चाचा। अच्छा, 2 फूफी है। अच्छा, हमारा चचेरा भाई सब मतलब बड़े बड़े हम लोग हो गए हैं, सबका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गए हैं। अच्छा, बच्चों का भी नाम जुड़ गए हैं, तो मिला के हम लोग आंकड़ा मिलाए थे जब मेंबर का जो इलेक्शन हुआ था उस टाइम। हाँ, हम लोग जोड़े थे तो 70 वोट आए थे। 70 वोट थे तो आपके इलाके में सबसे ज़्यादा आप ही के परिवार का वोट था कि और भी किसी? और हमसे भी ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा किस किस का है, कितना है बताइए? मेरे ही गाँव में है। आपके गाँव में कितना? उनका भी उससे प्लस होगा, 70 से प्लस होगा। कितना? 70 से प्लस लगभग 80 होगा उनका। 80? किसी का 150-200 भी जाता है क्या? एक फैमिली में? हाँ। जी ना, 150 नहीं जाता है, 80-90 तक जाएगा। 80-90 तक, मतलब आप सोचिए किसी गांव के होते हैं 300-350 वोट, यहाँ पर 2-3 परिवारों का मिला देंगे तो आपको 300-350 वोट आराम से मिल जाएंगे। शायद इस वजह से भी जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो कहीं ना कहीं टोपी पहनने का, इफ्तार पार्टियों में जाने का, क्योंकि वोट बैंक जो है वो कंसोलिडेट है इस तरफ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बिहार में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, आपने ये बोला आपके इधर विकास नहीं हुआ, विकास किस चीज़ किस किस चीज़ को मानते हैं आप? हम विकास मानते हैं कि गरीब को योजना मिले, कोई काम रोजगार मिले, कोई किसी बहुत सा घर में रहने का जगह नहीं है, उस बेचारा का रहने का घर नहीं है वो घर बने, आपका शौचालय नहीं है शौचालय बने, रोड नहीं है रोड बने, काम नहीं मिलता है काम मिले, बस यही हम लोग। आपका यही है? अच्छा, इन दिनों में जैसे ये जब लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो इससे पहले कौन सा नेता है जो सबसे ज़्यादा बार आपके इलाके में आया हो? सबसे ज़्यादा आया था तो नीतीश कुमार का ही आया था। हाँ, और जी नीतीश कुमार आपके इलाके में आए थे सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा मदद आप लोगों की किसने की? सबसे ज़्यादा तो नीतीश कुमार ही किया था। हाँ। अच्छा। अभी हम तो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उतना राजनीति के बारे में हम उतना जानते भी नहीं है। मैं तो राजनीति पूछी ही नहीं, मैंने तो सिर्फ आपसे ये पूछा कि भैया आप जो है
सबसे ज़्यादा आपके करीब नेता कौन आया, किसने आपके बारे में पूछा, किसने आपके दर्द के बारे में पूछा, कहीं कोरोना का समय हो या फिर कोई ऐसा समय हो, फ्लड का समय हो, तो कौन सा नेता आपके पास आकर के आपकी मदद किया? कोरोना का टाइम में कोई नेता नहीं आया था, ये सिर्फ पप्पू यादव जी जो थे तो वही आके, वो अपना फैमिली डॉक्टर भी था और वो सपोर्ट भी किया गाँव वालों का और वो मदद किया बहुत सबका। अच्छा, तो अब मैं आपको अनुमान से बताऊँ कि आप किसको वोट कर रहे हैं? नहीं, ये तो अनुमान ये अल्लाह भगवान ही बता पाएगा किसके मन में क्या है। अच्छा, क्योंकि आपने नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बोला, पप्पू यादव को आपने पप्पू यादव जी बोला। जो जिस टाइम विकास में रोशनी लाता है, हर पब्लिक उसी के बारे में कहता है। हर पब्लिक उसी के बारे में। लालटेन का पेट्रोल, जो लालटेन की जो तेल है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए दिख रही है। यहाँ पर त्रिकोणीय में मुकाबले में सोचिए, ये एक व्यक्ति है, क्या नाम बताया आपने अपना? मोहम्मद फैजुद्दीन। मोहम्मद फैजुद्दीन, 70 वोटर हैं इनके परिवार में, अकेले इनके परिवार में, और ये सोचिए किस तरफ। अच्छा, बुज़ुर्गों का क्या मुद्दा है? चलिए, आपका तो विकास मुद्दा है, बुज़ुर्गों का आपके परिवार में जो बुज़ुर्ग हैं उनका क्या मुद्दा रहता है? बस जो जब सारा मोहल्ले वालों को जो अच्छा, मोहल्ले वाले पे निर्भर करता है कि जहाँ मोहल्ले वाले करेंगे, समाज जिसको चुनेगा वो भी चुनेगा उसको। हम मतलब समाज एक बहुत बड़ा फैक्टर आप लोगों में होता है कि समाज किसको चुन रहा है। समाज जो है, हम लोग समाज को लेके चलते हैं। कोई भी चीज़ होता है तो हम लोग का समाज से ही करते हैं हम लोग, समाज से ही। चलिए, अभी मैं और लोग उसके पास जाती हूँ। आप वोट कराए, दिखाइए इनको पूरा। वोट तो नहीं कराया, अभी तो आए, नंबर में लगा के रखे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? सहजुल। सहजुल जी। आपके परिवार में कितने वोटर्स हैं सहजुल? हम लोग अभी 7 हैं। आपका बड़ा कम है यार, वो देखो, वो 70 वोटर, आप कहाँ पीछे रह गए? 7 वोटर पीछे में है। हम लोग तीन भाई है, तीन का ही है परिवार है। अच्छा, मतलब पापा वापा का लेके सब लेके 7 ही वोटर है? 7 है। 7 तो क्या कुछ मुद्दा रखने वाले हो इस बार? ये समझे नहीं है। मुद्दा मतलब, मतलब क्या ऐसा चीज़ होगा जिसके ऊपर जाके आप वोट करोगे? पप्पू यादव को देने वाले। तेजस्वी जी को क्यों नहीं? नहीं, उसको नहीं देंगे, अच्छा नहीं है वो, अच्छा नहीं है नेता। क्यों अच्छा नहीं है वो? कोई आता नहीं, देखभाल नहीं करता, कोई कुछ भी नहीं करता, सही नहीं है। सेंध मार लिया पप्पू यादव ने इनके वोट बैंक पर। चलिए, अब थोड़ा मैं और आगे चलती हूँ। आइए आशुतोष, आप उधर आगे आगे आप पहले चले जाइए, जाइए पहले आप आगे, मुझे मत दिखाइए, वोटर्स को दिखाइए। ठीक, अभी मैं धीरे धीरे चल के सभी लोगों से बात करती हूँ। और सोचिए, एक परिवार में 70 वोटर। आपका नाम क्या है चाचा? नौशाद मोहम्मद। हाँ, नौशाद मोहम्मद। नौशाद, क्या नाम है? नौशाद। नौशाद, नौशाद जी वोट कराए? हाँ। दिखाइए। ऐसे मुस्लिम इलाकों में आप देखेंगे बड़ी मुश्तैदी के साथ वोट होता है सुबह सुबह। अरे क्या बात है, इंक लगी हुई है आपकी। ये आपकी पर्ची है या आपकी इंक है? हैं, इंक है। अच्छा, पढ़े लिखे तो हैं नहीं, क्या कि अंगूठा लगाए हैं? अच्छा, तो एक बात बताइए नौशाद जी, कितने बजे आए थे सुबह लाइन में लगने? 6 बजे। 6 बजे आए थे। 6 बजे आए थे और अभी 8:30 हो रहा है, इतने देर बाद आप फ्री हुए हैं, मतलब 2.5 घंटा लग के आपने वोट किया? वहाँ बैठा रहते रहते सब आया। इतना जो कष्ट आप उठाए हैं कि 2.5 घंटा आप लाइन में खड़े हुए, फिर आपने इतना लंबा इंतज़ार किया, फिर आप पोलिंग स्टेशन के अंदर गए, फिर आपने वहाँ पर वोट डाला, क्या सोच कर वोट डाले? सोचे भी कि नहीं सोचे? सोचा कि सोच के डाले, सोच के डाले। जब यहाँ बास करते हैं तो वोट देना ही है, वोट देना ही है, वोट दे, वोट गिरा दिया। वोट गिरा दिया। अच्छा, क्यों गिराए वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल, आपने भी वोट कर दिया, देखो एकदम ताज़ा तरीन इंक लगी है इनके हाथों में और अभी अभी ये जस्ट निकले। आप सुबह सुबह कितने बजे लाइन पे लगे थे? वो हमारा प्रेशर है ना, इसीलिए हमको कोई रोका नहीं, हम चला गए थे। अच्छा, आप बीमार हैं जी? अच्छा, ठीक है, तो बात कर सकते हैं 2 मिनट की? नहीं बात कर सकते, क्या बोलेंगे? मुद्दा बताइए, जो सुबह सुबह आकर आपने वोट, बीमारी में भी आप वोट करने आए हैं, ठीक है, आप अस्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी आपने सोचा कि भैया मेरा वोट ज़रूरी है, तो ये क्यों ज़रूरी है मुझे? क्यों ये ज़रूरी है कि हम लोग का ये है, सब रोज वोट गिरा के आए हैं। हाँ। नेता चुनना ज़रूरी है। हाँ। विकास का ज़रूरी है। हाँ। इसीलिए। अच्छा,
तो जो पिछली बार जो नेता चुने थे आप लोग पूर्णिया से, क्या उसने विकास किया आपके इलाके में? नहीं हो सका। नहीं हो सका। और पिछली बार मैं आपको बताऊं तो यहाँ से जेडीयू के प्रत्याशी जो थे वो जीते थे, उन्होंने विकास किया। ठीक है, तो इस बार आपके मन में मुद्दा था विकास, है ना? आपके परिवार में कुल कितने वोटर्स चाचा, पूरा खानदान की अगर मैं बात करूं? 6 गो बेटा है। हाँ। पुतु हो 6 गो है। 12 गो हम अपने हैं। 13 वाइफ गुजर गई। अच्छा, वाइफ गुजर गई। अच्छा, मतलब कुल 13 वोटर्स हैं। और आपके चाचा वाचा भी तो होंगे बहुत सारे? हाँ, ढेरी है, वो इतना नहीं गिन सकेंगे। इतना है कि गिन भी नहीं सकेंगे? इतना है कि गिन भी नहीं सकेंगे। और एक एक जना जो है वो पोलिंग स्टेशन पे आके वोट कर रहा है। अच्छा, तो सर कम से कम 25 आदमी है वोट में हमारा। नाम क्या है? जगन्नाथ राय। टोटल 25 ही है? 25 वोट है हमारा घर में। अच्छा, आपके लिए क्या मुद्दा था चाचा? आपके लिए मुद्दा क्या था? मुद्दा तो सब ठीक है, मगर यही है जो कोई भी बनता है तो थोड़ा देखभाल नहीं कर सकता है हम लोग का। एक को दफी घूमता नहीं है टोला में, कौन मरता है, क्या तकलीफ है, क्या दुख है, कुछ नहीं। खाली जीतने का भागी है वो लोग, ऑफिसर बनने का भागी है लोग, और कोई घूमने वाला देखने वाला कोई नहीं। चलो भाई, कैसी तरीका से कमाते हैं खाते हैं अपना। आप काहे वोट करने आ गए फिर, जब कुछ कम हुए नहीं कोई करता है नेता तो? अरे सर, उतना तो दौड़बे करता है सब, जो हमको दो हमको दो हमको दो, इसलिए आप आ गए देने के। सरकार घर में नहीं रेकट रहेगा तो कुछ मिलबो नहीं करेगा। अच्छा। कोटा वोटा के लिए आप वोट करते हैं। प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो मोदी जी को। ऐसा काहे, ऐसा क्यों? ऐसे क्यों, कौन नहीं देख सकते, कोई नहीं देखभाल करता है तो हम लोग का जो करता है सो वही करता है, वही करते हैं। क्या क्या किए हैं जरा बताइए, वो दिल्ली बैठ के पूर्णिया में क्या मदद कर दी आपका? वहीं से आने सबको अपना जो आदमी है उनको भेजता है, 2 पैसा 4 पैसा रहता है। तो हम लोग सर सिरबस करते हैं, नौकरी करते थे तो रिटायर हो गए हैं हम तो सर, वो बढ़ेबो करता है 4% 5% तो थोड़ा बहुत बढ़ता है। मोदी जी का काम यहाँ पर लोगों को प्रभावित है, ये दिखाइए, ये पूरा का पूरा परिवार आया है वोटिंग करने, हाथ में इनके बच्चे भी हैं और मेरे ख्याल से घर में भी लोग होंगे, और ये पूरा का पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर वोट करने आया है। ज़रा मैं एक एक लोगों से भी बात करती हूँ। आपका नाम चाचा? फैलुर रहमान। अच्छा, आपके यहाँ कितने वोटर्स टोटल? टोटल है 5-7 गो होगा। 5-7 गो बहुत कम है आपके यहाँ। उधर एक ठे मिले जिनका 70 वोटर था, हैं, एक ही परिवार में 70 वोटर। ठीक हैं, आप भी हंस दिए। अच्छा, एक ही परिवार में 70 गो। पीछे से जाइएगा, आगे से चलेगा, कोई बात नहीं। तो मुद्दा क्या है इस बार का? इसमें मुद्दा क्या रहेगा, जिस तरफ जितना देता है। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं बताइए जल्दी जल्दी? हाँ तो पप्पू को। प्रधानमंत्री पप्पू यादव को देखना चाहते हैं। तो इस लेवल का जो है वो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। और भी मैं देखूँ, आपका नाम क्या है चाचा? राजू राय जी। आपके परिवार में कितना वोट? 6 वोट। क्या 6 के 6 यहाँ पर आए वोट करने? हाँ आ जाएंगे, बहु लोग घर में है। अच्छा, आपके जो 5-7 वोटर है वो सब आ गए वोट करने की अभी आएंगे बाद में? आ गया वो, आ गया होगा। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपके लिए मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा तो हम लोग ऊपरे वाला देखते हैं। ऊपरे वाला? हाँ। मोदी जी वाला क्या? ना लो। अच्छा, चलिए मुकाबला है यहाँ पर, मतलब देखिए ये मोदी जी और ये प्रधानमंत्री पप्पू जी को देखना चाहते हैं। और आपका नाम चाचा? यदुनंदन राय। अच्छा, आपके यहाँ से कितने वोटर? 5 वोटर हैं। वहाँ इकट्ठे मिले वो 70 वोटर थे उनके। अच्छा, एक मुझे बात बताइए, आपके लिए मुद्दा क्या है? हम वही ऊपरे वाला मोदी जी वाला। अच्छा, तो ये ऐसा क्यों पसंद कर रहे हैं आप लोग मोदी जी? हम लोग अच्छा लगता है जो पसंद करते हैं। अच्छा, अच्छा लगता है पसंद करते हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सरपुल है। सरपुल झाक।
हक। अच्छा, तो आपके यहाँ से कितने वोटर हैं? हमारा यहाँ वोटर अभी दो गो है। हमारा खाली दो वोटर? हाँ, दो वोटर है। बहुत कम है? हाँ, बहुत कम है। ऐसा कैसा, ऊपर बढ़ाया नहीं क्या आगे जनसंख्या? ना, अभी जनसंख्या नहीं बढ़ाया। नहीं बढ़ाया? ना बढ़ाया। ऐसा क्यों? कैसे, जो गन्ना धर्मगन्ना हुआ था उसी टाइम में बंद था हमारा। ठीक है, तो आपके लिए मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या? मुद्दा हम नहीं समझे। मुद्दा मतलब किस बात को लेकर वोट करेंगे? ओ, वोट देने के लिए आए उसी का बारे में? हाँ, वोट देने के लिए आए। वो तो मुझे भी पता है, वोट देने के लिए आता, अभी तो लाइन में खड़े हैं। मैं ये पूछ रही हूँ, मुद्दा 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 क्या है? मुद्दा मुद्दा मतलब क्या सोच कर वोट करेंगे यहाँ? ये तो बात हम नहीं समझे। नहीं समझे? किसको वोट दीजिए? किसको वोट दीजिए? ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, चतुराई चल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है? शंकर पंडित। शंकर पंडित जी, आपके लिए मुद्दा क्या है सर? ये जो सब अच्छा करता है हम उसी को देंगे ना। सब अच्छा कर जी। कौन अच्छा कर रहा है पूर्णिया? वही मोदी जी। ठीक है, हिंदुओं का मैं इधर देख रही हूँ कि मोदी जी की तरफ झुकाव तो है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं में भी थोड़ा सा। आपका नाम क्या है बीबी? मसीना खातून। मसीना खातून। मसीना खातून जी, आपके यहाँ से कितने वोटर्स हैं? ये फर्स्टी। फर्स्टी? अच्छा, आप पहली वोटर हैं? जी। फर्स्ट टाइम वोटर हैं? अच्छा, तो आपके शादी हो गई? जी। तीन बच्चा भी है? जी। कितनी उम्र है बताओ? 20 होगा। 20 साल की हैं, तीन इनके बच्चे हैं और ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं। ठीक है, तो आपके लिए मुद्दा क्या है जी? अरे मुंडी ऊपर उठाइए, उठाओ। कोई बात नहीं, शर्माने के सर, ऐसे नहीं शर्माना बीबी, ऐसे नहीं शर्माना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मुद्दा है इस बार? बात को समझ में नहीं आता है। बात समझ में नहीं आता जी? नहीं। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं, 20 साल की हैं, ठीक, और आप समझिए वोट देने के लिए आई हुई हैं। आपका नाम क्या है? रमेशा खातून। अच्छा, रमेशा खातून जी। फिर आपके लिए क्या मुद्दा रह रहा है इस बार? ये बात को समझाइए, क्या मुद्दा है बोलते हैं? समझाइए मतलब, जैसे आप इतनी धूप में खड़ी हैं लाइन में, है। वोट करने जा रही हैं, है। किस लिए वोट कर रही हैं, क्या मिलेगा इससे? दुनिया में रहेंगे, भारत में रहेंगे, भलाई होगा। वोट गिराएंगे तो भारत में रहेंगे, भलाई होगा, वोट। और अगर वोट नहीं करेंगे तो भारत में नहीं रह पाएंगे? सब दिन रहेंगे, वोट देंगे तो आदमी है तो वोट गिराना होगा। अच्छा, हाँ। किसी ने आपको आपके वोट देने का मतलब नहीं समझाया? नहीं नहीं नहीं, नहीं समझाया। कि आप वोट किस लिए करती हैं? आगे चलती रहिए, पढ़ती रहिए, बात करती रहिए। किसी ने नहीं समझाया? नहीं। कि ये वोट किस लिए करती हैं? वोट गिराते हैं, नेता बनेगा, काम चलेगा, वो लोग का भी काम चलेगा, ऐसे ही समझाया। अच्छा, तो आप किसको नेता बनाना चाहती हैं? अरे इधर देखिए, वरना सब सोचेंगे कि बिना मतलब का बात कर रही है, मुझको इंटरेस्ट तो है नहीं इसको बात करने में। किसको बनाना चाहती हैं? अभी तो ये नहीं है, देखेंगे कि जिसका वोट बेसी पड़ता है, ज़्यादा पड़ता है, उसी को दे देंगे। अच्छा, आस पास में बात की है, वहाँ तो कोई नहीं मिलेगा बात करने के लिए अंदर? देखेंगे। महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं साइलेंट वोटर्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर पप्पू यादव जी को वोट जा रहा है और लोग जो है वो यहाँ पर पसंद करें। उधर हम लोग हिंदू महिलाएं से बात करेंगे क्योंकि वो खुल के कहीं ना कहीं बात करेंगे। और ये देखिए कैसे यहाँ पर लोग जो है वो वोटर्स वोट करने के लिए आए, देखिए कैसे बैठे हुए हैं ये लोग गर्मी में। आप लोग इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं, कितने घंटे से बैठे हैं? बहुत देर से बैठा हुआ है, बहुत देर से, 6 बजे से। 6 बजे तो सुबह से बैठे हैं जी वोट करने के लिए जी। कुछ खाए वो नहीं किया, एकदम निकल गया। खाए भी नहीं है? नहीं, नाश्ता पानी कुछ नहीं किया। पहले वोट करेंगे इतनी धूप में बैठ करके, फिर उसके बाद जलपान करेंगे। ठीक ठीक ठीक। और जो वो बड़े बड़े लोग जो अमीर लोग होते हैं वो वोटर्स नहीं होते, यही वोटर्स हैं। और कहीं ना कहीं इन्हीं के बीच में साक्षरता का लेवल कम होता है, जिसका कारण ये है कि नेता इन लोगों को साक्षर नहीं करते। अगर ये लोग शिक्षित हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने वोट देने का मतलब समझ जाएंगे, जिसकी वजह से नेता इनको शिक्षित नहीं करता है। अच्छा चाचा, एक बात मैं इनसे ना किसी से पूछ रही हूँ, मुद्दा क्या है, आप लोग किस बातों पर वोट करेंगे, लेकिन वो इनको समझ ही में नहीं आ रहा है। आधे ज़्यादा लोग तो यही बोल रहे हैं कि जहाँ जो समाज करेगा उधर ही हम वोट कर देंगे। इस बार किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? अब
कौन बनता है कैसे कहेंगे? आप क्या चाहते हैं कौन बने? क्या आप बोलिए, आपको पूछ रहा, आप बोलिए किनको बनाना चाहते हैं आप? बनना तो चाहता है, जैसे हल्ला हो रहा है ये पप्पू यादव। पप्पू यादव के अधिकतर यहाँ पर मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो पप्पू यादव को पसंद कर रहे हैं, लेकिन इनमें साक्षरता का लेवल बहुत कम है, बहुत कम है। बाबा कितने पढ़े लिखे हैं आप? हम पढ़ा लिखे नहीं है। नहीं, आपके इलाके में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, है ना? हल्का हल्का फल्का, हल्का फुल्का, ज़्यादातर लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं। पप्पू यादव को यहाँ पर लोग समर्थन कर रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला जो उन्होंने बनाया, कहीं ना कहीं उसमें वो सटीक बैठते हुए नज़र आ रहे हैं। आरजेडी की बीमा भारती का वोटर्स मुझे कहीं पर भी दिख नहीं रहा है। तो ये मैंने आपको एक वोटिंग से मतलब पोलिंग सेंटर दिखाया, जहाँ पर लोग देखे छाता लेके भी लोग खड़े। आपका नाम क्या है? उधर हमारी समाज की महिलाएं बोलेंगी। क्या नाम है चाची आपका? हमारा नाम है दुलिया देवी। दुलिया देवी, दुलिया देवी। हाँ अच्छा, कितने बजे से आप खड़ी हैं? बहुत घंटे से खड़ी हैं, सुबह से खड़ी हैं। क्यों खड़ी हैं? वोट देने के लिए। क्या होगा उससे? पापा क्या है? विकास के लिए मतदान। पापा पापा माने पप्पू है। इतना मरते हैं तो उनके लिए हम लोग दो घंटा खड़ा नहीं रह सकते हैं? कौन सी सरकार मरती है? अभी जो है मोदी सरकार, तो मोदी सरकार को बोलेंगे। हाँ मोदी जी के क्या क्या अच्छाई जो है वो चाची आपको पसंद आती है? सब अच्छाई पसंद आता है, सब तो भलाई करके दिए। अच्छा, अभी उनका हिसाब से सब तो सही चल रहा है। हम लोग भी सोचते हैं कि एक बार और बन जाए, एक बार और। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो इधर मैंने जितने लोगों से बात किया वो ज़्यादातर मुझे मुस्लिम दिखाई दिए, और वो सबके सब जो हैं वो कहीं ना कहीं पप्पू यादव को पसंद कर रहे हैं, उनको वोट करना चाह रहे हैं। हिंदू कहीं ना कहीं वोट करने नहीं जाता है ज़्यादा, इसका कारण समझ में आता है? वही ना, ना हम लोग के हिंदू का ही बदलेगा। देखिए हिंदू हो चाहे मुसलमान, जो फायदा जो दिखाएगा उसी को ना देंगे। हाँ बात, ये बात सही है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जो अच्छा काम करके दिखाएगा, अच्छा विकास करेगा, उसी को देंगे। नाम क्या है? फातिमा खातून। फातिमा खातून, आपके लिए क्या मुद्दा है फातिमा? महिलाओं के लिए क्या मुद्दा है? आप मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या मुद्दा है? वीडियो जो करछे के वो की होगा, वीडियो करछे तो की भोरे दिबे बताइए, वीडियो से इतना सम्मान बताना है। देखिए इसमें इंसाफ होता है, कोई हिंदू मुसलमान को नहीं देखना है, जो अच्छा करके देता है उसी को देखना है। कौन अच्छा करके दे रहा है? कोई बात नहीं, यहाँ पर लोग जो है वो बात नहीं कर रहे, लेकिन मैंने आपको दिखाया कि कैसे यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला जो पप्पू यादव ने सेट किया वो पूरी तरीके से सेट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कुछ हिंदू महिलाएं भी मुझे मिली जिन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट करेंगे। पोलराइजेशन मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी बात है। अच्छा, लोग तो ये कहेंगे आप हिंदू हैं इस वजह से मोदी जी को वोट करेंगे? ना, हिंदू भी करेंगे, जो वही ना बात बोलते हैं, समझदारी होगा ना तो हिंदू मुसलमान भी देंगे, और जो उसका समझदारी नहीं होगा तो बोलेंगे कि हम अपना ही जात को देंगे। अपना ही जात को देंगे, मतलब इन्होंने कहा कि जिसको समझदारी, मोदी भी हिंदू है और पप्पू भी हिंदू है कि? हाँ वो बात नहीं, तो मैंने वोट जो है ना तो वो अभी उठे पप्पू यादव, लेकिन देंगे किसी और को, यही तो होगा। चलो, तो यहाँ पर मैंने महिलाओं से भी बात किया, डिस्कशन किया, तो मुझे समझ में आया कि भैया वोट जो है वो महिलाएं सोच समझ के कर रही हैं।